हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाने वाले हैं त्योहारों की सबसे स्पेशल रेसिपी नमक पारे। बनाने में बहुत आसान है और मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे बहुत ज़्यादा खस्ता बन के तैयार होंगे। तो उससे पहले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो ये मैंने 3 पाव नाप से देखे तो 700 ग्राम मैदा ले लिया है। इसमें हम आधा टी स्पून नमक डाल देंगे या फिर स्वाद अनुसार। नमक ज़्यादा न डालें नहीं तो खारे हो जाएंगे। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के जीरा। थोड़ी सी कलर के लिए हल्दी डाल रही हूँ, आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा कलर अच्छा दिखेगा इसलिए मैंने ऐड की है। अब हम इसमें डाल देंगे अजवाइन। इस अजवाइन को क्रश करके ही डालें तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। इसको भी मिक्स कर देंगे इसमें। अब हम पहले इसको चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने शक्कर पारे और दूसरी मिठाई की रेसिपीज भी अपलोड की हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये देखिए, इसको मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से। इसको मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। अब ये गरम तेल है, इसको हम मैंने पूरा 1 बड़ा कप भर के लिया है। तो ये गरम तेल ही यूज़ करें तभी खस्ता बनेंगे, ठंडे तेल से अच्छे नहीं बनते हैं। तो इसको मैंने ढक दिया है। 2 से 3 मिनट ढकने के बाद ये देखिए इसमें मिक्स हो गया अच्छे से। अब हम इसको चम्मच से मिक्स करेंगे। अब तेल थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसको हाथ से मैश करेंगे। तो ये देखिए, मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया इसको। अब मैं इसको हाथ से मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से, तभी अच्छे से घुल जाएगा इसमें। तो मैं दिखाती हूँ आपको कैसे करना है। पहले तो इसको ऐसे ही करेंगे हम। ये देखिए, जितना अच्छा मौन डालेंगे ना उतने ज्यादा खस्ता बनेंगे, लेकिन ज्यादा भी नहीं डालना है, नहीं तो ये तेल में जाने के बाद पूरे बिखर जाएंगे। तो ये देखिए, ऐसे इसको दोनों हाथों से मिक्स कर करके अच्छे से, देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसका। तो अब ये मिक्स हो गया है, अब हम इसका आटा गूंथेंगे। तो थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है, थोड़ा सेमी सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा टाइट ही आटा गूंथना है इसका। तो थोड़ा थोड़ा ही पानी डालें नहीं तो आटा ढीला हो जाएगा। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका पूरा थोड़ा सा टाइट आटा गलाना है, क्योंकि हम जब इसको रेस्ट पे अगर रखेंगे तो फिर ढीला हो जाता है वो। तो ये देखिए, इसका आटा गूंथ कर तैयार हो गया है। अब मुझे 1 कप पूरा पानी लग गया था इसको गूंथने में। अब हम इस पर थोड़ा सा तेल लगा देंगे जिससे कि पपड़ी ना आए, और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तो अब ये मैंने बड़ी थाली ले ली है, मैं थाली पे बनाने वाली हूँ। आप चाहे तो चकला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये फटाफट बनाना है अगर आपको तो थाली पर आप बड़ा सा लोए लें और फिर उस पर ऐसे बेल लें इसको। थोड़ा सा हम इस पर डस्टिंग कर लेंगे और इसको हल्के हाथों से बेलेंगे। इसकी थिकनेस में दिखाऊंगी आपको, उतनी ही रखनी है। तो ये देखिए, हल्के हाथों से इसको बेलते जाएंगे। अब ये मैंने इतना बड़ा बेल के तैयार कर लिया, ये फटाफट बनाने का तरीका है। तो ये देखिए, इसकी लेयर इतनी है, ये इतना ही मोटा होना चाहिए, उससे ही ये सबसे ज़्यादा खस्ता बनेंगे। तब हम इसको काट लेते हैं। चाकू कटर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, और शेप भी आपको जैसा पसंद है आप वैसा रख सकते हैं। तो मैं इसको नॉर्मल शेप ही दे रही हूँ। ऐसे हम पूरा काट के तैयार कर लेते हैं। अब मैंने तेल गरम करने रख दिया है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे नमक पारे। पहले 1 डाल के देखते हैं। तो ये मीडियम ही गरम हुआ है तभी हमें डालना है, हाई फ्लेम पे नहीं तलना है, नहीं तो ये इनका कलर तो चेंज हो जाएगा लेकिन ये खस्ता नहीं बनेंगे। तो ये देखिए, मैंने सारे डाल दिए हैं। अभी हमें इसको बिल्कुल भी चम्मच से नहीं हिलाना है, थोड़ा सा इसको कड़क हो जाने देंगे उसके बाद। तो ये देखिए, बहुत अच्छा कलर आ गया है इसमें। आप इसको थोड़ा सा लो फ्लेम पे ही तलेंगे ना तो ये बाहर से भी खस्ता बनेंगे और कलर भी सुनहरा रहेगा इनका। तो ये देखिए, परफेक्ट एकदम। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसी कलर में आपको निकाल लेना है, नहीं तो ये बहुत ज्यादा रेड हो जाएंगे और फिर थोड़ा जला जला भी टेस्ट आता है। तो ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है। अब लगभग हमारी रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। आप इसको जरूर ट्राई करके देखिए और घर में सबको बना के खिलाइए त्योहार पे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।